हेलो एवरीवन, टुडे इन बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज वेल एज the CBSE board exam asked question in previous year examination based on this topic. Let us see the topic. First, meaning of organizing. Organizing means identifying and grouping different activities in organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of a specific goal of organization. Dear student, organizing means identifying the different activities and grouping them as per their nature. ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ यहाँ पर है कि जो हमारा स्पेसिफिक गोल है जिसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है, उस सभी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना और सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करना, और साथ में जितने भी हमारे फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन सभी को एक साथ ले आना ताकि हम उनके बीच में एक प्रोडक्टिव रिलेशन को इस्टेब्लिश करें जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक गोल को अचीव करने में मदद करें. अगर मैनेजमेंट इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है तो दैट एक्टिविटी इज़ कॉल्ड, दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ इन सिक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन. It comes at the second after planning function, because in planning function the specific goal of organization is determined by the planning manager, and to achieve this specific goal all the resources of organization, all the resources, physical, financial and human resources are put together to achieve the goal. And for this purpose the organizing manager identify and grouping the different activities. उन सभी different activities को identify पहले करता है कि कौन कौन सी activities हमें करने के बाद इस specific goal को achieve कर पाएंगे, फिर उन सभी activities का grouping करता है और फिर इनके बीच में physical, financial and human resources के बीच में relationship को establish करके इनको productive way में ले आ करके organization की goal को achieve करता है. This is the meaning of organizing. The next is importance of organizing. Organizing के बहुत importance हैं एक business में. अगर हम देखें तो जो सबसे पहला importance है that is benefit of specialization. Second is clarity in working relationship. Optimum utilization of resources helps in adoption to change. Effective administration and easy coordination. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में भी मदद करता है एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. लेट्स सी इन डिटेल. द फर्स्ट इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. जैसा कि आपने मीनिंग में देखा कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में सभी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको ग्रुपिंग किया जाता है, रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाता है और उनके बीच में रिलेशन इस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो है, स्पेसिफिक गोल है, उसको अचीव किया जा सके. तो इसका जो सबसे पहला जो बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स एमॉन्ग द वर्क फोर्स. दिस रिड्यूसेज वर्कलोड एज वेल एज इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक वर्कर्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक जॉब ऑन ए रेगुलर बेसिस. जब हमारे वर्कर्स एक रेगुलर बेसिस पर स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करेंगे और वह जॉब जो उनको
दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज. तो देन दिस रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क अलाउ ए वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट एरिया एंड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. और जब वह रिपीटेटिव वर्क को बार बार करते हैं, पर्टिकुलर वर्क को बार बार करते हैं, इसका रिजल्ट ये आता है कि उनके एक्सपीरियंस में काफ़ी गेन होता है, काफ़ी इंक्रीमेंट होता है, और इसका ये रिजल्ट ये होता है कि दे बिकम द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. जो सेकंड इम्पॉर्टेंस एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से मिलता है, दैट इज़ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. वर्कर्स के माइंड में किसी भी तरह का इफ एंड बट नहीं होता है, बिकॉज देयर माइंड इज़ क्लियरली नो, दे क्लियरली नो दैट व्हाट वर्क दे हैव टू परफॉर्म, व्हाट इज़ देयर अथॉरिटी एंड व्हाट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज यहाँ पर सीनियर एंड जूनियर के जो रिलेशनशिप हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, और इसकी वजह से वर्कर्स को ये क्लियर होता है कि हु इज़ टू रिपोर्ट टू हुम, किसको, किस व्यक्ति को रिपोर्ट करना है, किससे ऑर्डर लेना है, किसको इंस्ट्रक्शन देना है. और ऐसा होने की वजह से इट रिमूव्स द एम्बिग्यूटी इन द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन. और इसकी वजह से जो दुविधा आने के चांसेस होते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में या इंस्ट्रक्शन को देने में, यह नहीं होता है, बिकॉज एवरी वन नो दैट हु इज़ देयर बॉस एंड हु इज़ देयर सबॉर्डिनेट. इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए हायरार्किकल ऑर्डर, देयर बाय इनेबलिंग द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय एन इंडिविजुअल. और ऐसा क्लैरिटी होने से ये जो हेल्प करता है कि एक हायरार्किकल ऑर्डर जो है वो सीक्वेंस इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसमें सभी एम्प्लॉइज़ के, सभी वर्कर्स के, सभी जॉब पोजीशन पे काम करने वाले पर्सनल के रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसानी से फिक्स किया जा सकता है, उनकी अथॉरिटी को स्पेसिफाई किया जा सकता है, ताकि वो अपनी अथॉरिटी को प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर सकें, यूज़ कर सकें. तो ये सेकंड हमारा जो बेनिफिट ऑर्गेनाइजिंग का मिला, दैट इज़ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. ईच एंड एवरी पर्सन नो दैट व्हाट इज़ देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजिंग का जो तीसरा बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा कि इसके सभी जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिजिकल रिसोर्सेज, इन सभी का यूज़ ऑप्टिमम वे में किया जाएगा. बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल मटेरियल्स, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड ऑल्सो मेक पॉसिबल द बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स. जब ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में उनकी जॉब पोजीशन को, उनके रोल को एकदम क्लियरली डिफाइन कर देता है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि हर वर्कर्स अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करता है. और ऐसा होने से किसी भी वर्कर्स के माइंड में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि ओवरलैपिंग नहीं होती है. मीन्स एक वर्क को दूसरा व्यक्ति नहीं परफॉर्म करेगा, जिसको असाइन किया गया है दैट पर्सन ओनली परफॉर्म दैट वर्क. अब इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, तो यहाँ पे रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं होगा, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और इट लीड्स दैट टूवर्ड्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट बेनिफिट इज अडेप्टेशन टू चेंज. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, बिकॉज यू नो दैट बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक एंड देयर इज़ कंटिन्यूस चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस हैज़ टू
always try to adopt that changes timely. So in this way, organizing function help to adopt that changes. The process of organizing allow a business enterprise to accommodate changes in the business environment. It allows the organization structure to be suitably modified and revision of interrelationship amongst the managerial level to pave the way for a smooth transition. Pave the way for a smooth transition. यहाँ पर इसका मतलब ये है जो फ्रेज यूज़ किया गया pave the way, that means organizing यहाँ पर जो हमारा टारगेट की तरफ जो हमारा रास्ता जा रहा है उस रास्ते को सुगम बनाता है, मार्ग प्रशस्त करता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मच नीडेड स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज एंड एज इट कैन देन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ चेंजेस. यहाँ पर हम ये भी ध्यान देंगे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्रिएट किया जाता है, उसमें फंक्शंस को हम ग्रुपिंग करते हैं और उस ग्रुपिंग से ये हमें आसानी से पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट में हुए हैं और उस चेंजेस को हम वहीं पर अडॉप्ट करते हैं और बाकी किसी डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते. मीन्स जो भी चेंजेस करना है, जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कहाँ पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं. इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम आसानी से बिजनेस इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, सिस्टमेटिकली अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि जो इसके पीछे रीज़न है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ अंडर ईच डिपार्टमेंट वर्क करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं. ओनली इन दैट एरिया विच मे बी अफेक्टेड बाय दी चेंजेस and in this way changes can be easily communicated to the whole organization through the departments. तो ये एक benefit organizing function का business को मिलता है. Next आते हैं effective administration. Organizing function को अगर organizing manager properly perform करते हैं तो business को जो फ़ायदा मिलेगा, organization को जो फ़ायदा मिलेगा, administration जो होगा वो बहुत ही effective हो जाएगा. Organizing provides a clear description of jobs and related duties. This help to avoid confusion and duplication. Clarity in working relationship enables proper execution of work. Management of an enterprise thereby becomes easy and this brings effectiveness in administration. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जब हम सिमिलर जॉब्स को, रिलेटेड जॉब को एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक डिपार्टमेंट के अंदर जब उसको हम डिफाइन कर देते हैं, इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स होता है. मीन्स एक डिपार्टमेंट के लोग एक ही जैसे वर्क को परफॉर्म करते हैं और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि देयर इज़ हारमोनी इन वर्क. द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन स्टेब्लिशेज रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ये जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे होते हैं, वर्क करते हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है और उस रिलेशनशिप के आधार पे जो है कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है. तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजिंग का जो फ़ायदा होता है कि जब प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा वर्क का, जब क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप होगा तो कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश होगा और जब इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन होगा तो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इसका रिज़ल्ट आएगा. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. एम्प्लॉइज़ का डेवलपमेंट होता है. यहाँ पर एम्प्लॉइज़ का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के थ्रू होता है बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर्स. इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउ द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाई असाइनिंग रूटीन जॉब
tasks to their subordinates. The reduction in the workload by delegation is not just necessary because of limited capacity of an individual, but also allow the manager to develop new methods and ways of performing task. यहाँ पर आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, दे यूज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इसके थ्रू मैनेजर अपने अथॉरिटी को अपने सबॉर्डिनेट की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एक पर्टिकुलर वर्क को करने का, जो कि वर्क मैनेजर का होता है. जब सबॉर्डिनेट उस वर्क को परफॉर्म करता है, इससे उसके अंदर मैनेजरियल स्किल डेवलप होना शुरू हो जाता है. इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और साथ में मैनेजर्स के पास जो नए नए इनोवेटिव वेज हैं या इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसके ऊपर फोकस करने का समय भी मिल जाता है, और वे अपने वर्कलोड को बाय यूजिंग डेलीगेशन रिड्यूस करने में सफल हो जाते हैं, और वर्क को विद इन द टाइम कंप्लीट करने में भी सफल हो जाते हैं, जिससे कि इफ़ेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है. इट गिव्स देम द टाइम टू एक्सप्लोर एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड द अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट, देयर बाई स्ट्रेंथनिंग द कंपनीज कंपिटेटिव पोजिशन. और जब वो डेलीगेशन का यूज़ करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस कंडीशन में उनके पास जो समय मिलता है, उसमें वो डिफरेंट एरिया जिसमें वो ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, इनोवेट करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को और भी मजबूत किया जा सके, और कंपटीटिव जो इन्वायरमेंट है, जो अपने कंपटीटर्स हैं, उनसे आगे बढ़ सके. डेलीगेशन ऑल्सो डेवलप्स इन द सबॉर्डिनेट द एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली द चैलेंजेस एंड हेल्प देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल. और डेलीगेशन करने से जो सबॉर्डिनेट के लिए सबसे जो बेनिफिट मिलता है, कि उनके अंदर मैनेजरियल स्किल डेवलप होने लगती है, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द मैनेजरियल ड्यूटीज़, और इससे इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ती है, और उन्हें अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ करने के भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग डेवलप द पर्सनल, मीन्स एम्प्लॉइज़ का डेवलपमेंट करता है. नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, क्योंकि जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जो फ़ायदा होगा, दैट विल बी द इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाई इनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप द न्यू चैलेंजेस. जब एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन उसका इन्वेस्टमेंट डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट डिवीजन को इस्टेब्लिश करने में खर्च करेगा. रिजल्ट होगा कि बिजनेस एक्सपेंड होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा. तो नए नए चैलेंजेस को अडॉप्ट करने में, उसको फेस करने में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मदद करता है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. अब बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, केस स्टडी क्वेश्चन नहीं था. एक्सप्लेन एनी फोर पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया था. तो हमने जो भी आपसे अभी इम्पॉर्टेंस डिस्कस किया, उसमें से कोई भी आपको 4 पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, और फॉर वन एक्सप्लेनेशन विद हेडिंग 1 मार्क्स. नाउ सी द सीबीएसई सजेस्टेड आंसर.
ये इसमें से कोई भी चार आपको एक्सप्लेन करना है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडाप्टेशन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो इनमें से कोई भी फोर पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको केस स्टडी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसमें एक केस दे करके पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, उस लाइन को कोट करते हुए बेनिफिट को आइडेंटिफाई करिए। और साथ में एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स के भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो देयर आर वाइड वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच मे बी आस्क बेस्ड ऑन दिस टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।